इस शहर में बन रही विशाल दुर्गा प्रतिमा एक माह से दिन रात मूर्तिकार कर रहे काम, तैयार होने के बाद मूर्ति हो जाएगी 54 फीट ऊंची। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में प्रदेश की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। माँ दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई 51 फीट है, जो कि तैयारी होने पर बढ़कर 54 फीट हो जाएगी। जबलपुर के गेट नंबर 4 में विशाल माता की प्रतिमा माँ दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा स्थापित की जा रही है। इससे पहले भी समिति के सदस्यों ने 2012 में 31 फीट और 2013 में झूले वाली माता की स्थापना की थी, जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही। माता के दर्शन करने न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी रोजाना हजारों लोग आते थे। 51 फीट की दुर्गा माता को जबलपुर के मूर्तिकार छोटे लाल चक्रवर्ती बना रहे हैं। टेलीग्राफ गेट नंबर 4 के पास मैदान में बन रही 51 फीट की दुर्गा प्रतिमा को बीते एक माह से भी ज्यादा समय से बनाया जा रहा है। मूर्तिकार छोटे लाल चक्रवर्ती अपने दो बेटे और अन्य लोगों के साथ मिलकर मूर्ति तैयार कर रहे हैं। इस मूर्ति को बैठकी तक तैयार कर लिया जाएगा, जिसके लिए मूर्तिकार 24 घंटे काम कर रहे हैं। 51 फीट की दुर्गा प्रतिमा को तैयार करने के लिए 600 से अधिक बांस का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए मूर्तिकार 24 घंटे काम कर रहे हैं। 51 फीट की दुर्गा प्रतिमा को तैयार करने के लिए 600 से अधिक बांस का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा चटाई, गत्ता, कपड़ा, कलर बाल, लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। मूर्तिकार छोटे लाल चक्रवर्ती ने इससे पहले भी 50 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्ति महाराष्ट्र और खंडवा में बना चुके हैं। हालांकि यह मूर्ति सीमेंट की थी, लेकिन मिट्टी की प्रतिमा बनाने में खासी मेहनत और सावधानी रखनी पड़ती है। 51 फीट की दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार ने बताया कि माँ दुर्गा उत्सव समिति ने जब उनसे मुलाकात कर एक माह में विशाल प्रतिमा बनाने की बात कही तो यह चुनौती लगी, पर बाद में इसके लिए मैं तैयार हो गया। छोटे लाल ने बताया 51 फीट की दुर्गा प्रतिमा बनाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। हालत ऐसे है कि ठीक से नींद भी नहीं हो पा रही है, पर माता के आशीर्वाद से सब कुछ समय पर हो जाएगा। मूर्तिकार ने बताया कि दुर्गा जी की प्रतिमा बनाने के लिए एक ट्रॉली मिट्टी, 650 बड़े बांस, 30 लीटर कलर, 60,000 रुपए की चटाई, 1 क्विंटल कपड़ा, जूट की बोरी, बाल का उपयोग होगा। 60 वर्ष से मूर्तिकार छोटेलाल के दो बेटे भी अपने पिता का जल्द से जल्द मूर्ति बनाने में साथ दे रहे हैं। अखिलेश चक्रवर्ती ने बताया कि पिताजी के साथ हम 12 लोग लगे हुए हैं, 24 घंटे काम चल रहा है। नींद नहीं हो पाने से बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं रुक रहा है। तय समय पर हम इस विशाल माता की मूर्ति को तैयार कर लेंगे। माँ दुर्गा उत्सव समिति का ये 38वां साल है। इससे पहले समिति ने साल 2012 में 31 फीट की प्रतिमा की स्थापना की थी। इसके बाद फिर 2013 में झूले वाली माता को बैठाया था, जो कि 20 सड़क में थी। आने जाने वाले लोग माता के नीचे से निकलते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। समिति के सदस्य कपिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल समिति 51 फीट ऊंची मूर्ति बनवा रही है, जिसे कि जबलपुर के ही मूर्तिकार बना रहे हैं। समिति के सदस्य मूर्ति को पहले सड़क पर रखते थे, पर इस बार 51 फीट से ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई है, जो एक बड़े प्लॉट पर माता की स्थापना की गई है। विशाल मूर्ति की स्थापना समिति के सदस्यों ने एक बड़े प्लॉट में किया है। आगामी 9 दिनों तक यहां पर विशाल माता की प्रतिमा को देखने के लिए हजारों लोग आने वाले हैं। समिति के सदस्य कपिल का कहना है कि विशाल मूर्ति को विसर्जन के लिए यहीं पर जेसीबी मशीन से कुंड बनवाया जाएगा और यहीं पर ही माता जी का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के समय जितनी भी पवित्र नदी, नर्मदा, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी का जल लाकर कुंड में मिलाया जाएगा। कपिल ने बताया कि हम यह भी एक संदेश सभी को देना चाहते हैं कि जहां पर माता की स्थापना हो वहीं पर उनका विसर्जन करें, जिससे कि नदियां प्रदूषित भी नहीं होंगी। माँ दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बनवाई जा रही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची 51 फीट की माता के अगर आपको भी दर्शन करने हैं तो मदन महल स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर टेलीग्राफ गेट नंबर 4 के पास आकर माता के दर्शन कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि में जबलपुर आकर कीजिए 51 फीट की माता जी के दर्शन। ये मूर्ति 51 फुट की बन रही है और बनते बनते 54 फुट पहुँच रही है। बड़ी मुश्किल तो इसलिए हो रहा है कि जल्दी में देना है, लड़के सो भी नहीं पाते, मैं भी नहीं सो पाता हूँ। 1-2 घंटा सोते हैं, हैरान हो लग जाते हैं, ऊपर का काम है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।